हाय एवरीवन, मैं हूँ इमा और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ, लाइक सक्सेस स्टोरीज, अफर्मेशन या फिर कभी मेरी जो सोच होती है वो. बट मेरा जो इंटेंशन है वीडियो बनाने का वो ये है कि मैं अपने आप को और किसी न किसी को मोटिवेट कर सकूँ, अच्छा फील करवा सकूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी का भी विश्वास कभी भी उठे, बिकॉज आई नो इट वर्क्स और मैं एक बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की. सो आज की जो सक्सेस स्टोरी है ये छोटे 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 बहुत सारे मैनिफेस्टेशन पूरे होने वाली सक्सेस स्टोरी है. ये सुनकर शायद किसी को लगेगा कि हाँ ये तो छोटी सी बात है, लेकिन जिसके साथ ये मैनिफेस्टेशन होता है, जिनके सपने पूरे होते हैं भले वो छोटे हो या बड़े हो, उन्हें उसकी वैल्यू समझती है. इस चैनल पे मेरा फर्स्ट वीडियो ये था कि कैसे मुझे एक सॉन्ग याद आ गया जो मैं अपने आप गुनगुनाने लगी, जो मुझे बहुत टाइम से याद नहीं आ रहा था. तो ऐसी छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, स्पेशली तब जब आप एक बिगिनर हो या आप सिर्फ बिलीव करते हो बट अभी तक कुछ मैनिफेस्ट करने का ट्राई नहीं किया है आपने. तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत हेल्प करती हैं. ये स्टोरी जिन्होंने भेजी है उनका यूजर नेम है पॉजिटिव वाइब्स, एंड इन्होंने पहले भी एक बहुत लंबा कमेंट शेयर किया था जॉब से रिलेटेड कि उन्होंने कैसे कैसे जॉब अपना मैनिफेस्ट किया. तो ये बहुत अच्छे तरीके से सोचती है, बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करती है, मुझे इनकी सोच पसंद है और ईमेल भी बहुत ही सुंदर तरीके से लिखकर भेजा है. तो आज मैं अपनी साइड से नहीं एक्सप्लेन करूंगी, जैसे उन्होंने लिखा है वैसे मैं पढ़ूंगी, ठीक है. ग्रैटिट्यूड लिखने का मैजिक और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट रहने का क्या रिजल्ट होता है उसके बारे में ये स्टोरी. मैंने ग्रैटिट्यूड लिखना मार्च से स्टार्ट किया था. इसके बारे में मुझे काफी टाइम से पता था बट कभी यूज नहीं किया था, कभी ग्रैटिट्यूड लिखा नहीं था. मैंने ग्रैटिट्यूड लिखना लॉकडाउन में स्टार्ट किया. स्टार्टिंग में मेरे पास कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं होता था लिखने के लिए, मुझे नहीं समझ आता था कि किस किस बातों के लिए थैंक यू लिखूं, बट धीरे धीरे टाइम के साथ सारी चीजें मिलने लगी थैंक यू बोलने के लिए. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये पूरी स्टोरी का मैसेज भी हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास कुछ नहीं होता है ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए. ऐसे उन्हें लगता है, स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि एक टास्क जैसे लगेगा कि किस किस के लिए अभी थैंक यू बोलूं. बट इट्स नॉट ओनली अबाउट बोलना, इट्स अबाउट फील करना. तो जब आप एक एक चीज के लिए वन बाय वन जब आप फील करना स्टार्ट करोगे, वो अपने आप डोमिनोज इफेक्ट होता जाएगा. डोमिनोज इफेक्ट यानी वो नहीं लाइन से छोटे छोटे ऐसे ब्लॉक्स रखे होते हैं, आप ऐसा धक्का दे दो कि टक 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 सारे गिरने लगते हैं. तो पॉजिटिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग ऐसी ही होती है, वंस यू स्टार्ट टक 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 सब कुछ होने लगता है. सो स्टार्ट करना इज इम्पोर्टेंट. बहुत सारी चीजें मिलने लग गई और ज्यादा थैंक यू बोलने के लिए, और अब तो चीजों को मैं इतना डीप में जाकर भी थैंक यू कह सकती हूँ. डीप में यानी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे बाल कंघी करने के लिए कभी कोई थैंक यू बोलेगा नहीं, बट जब आप इस जर्नी में आते हो ना, आपको हर एक एक्शन में ऑटोमेटिकली अच्छा फील होने स्टार्ट होगा. जो ये सुन रहे हैं स्टोरी अभी, अगर आपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं किया है, नेचुरली नहीं आता है आपको अंदर से, तो आपको सुन के थोड़ा अटपटा लगेगा, बाल कंघी करने के लिए क्या थैंक यू. बट इस जर्नी में आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि हर एक एक्शन में प्यार और ग्रैटिट्यूड भर जाएगा. लाइक अगर मैं अभी उठने की कोशिश करूँ यहाँ से, उस उठने की कैपेबिलिटी के लिए भी मुझे अंदर से एक एहसास होगा. ऐसे नहीं कि मैं प्रेयर करने ही बैठ जाऊंगी, थैंक यू भगवान जी थैंक यू, बट एक हल्की सी स्माइल आ जाती है मेरे फेस पे एंड आई फील लकी, बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु कांट इवन गेट अप प्रॉपरली बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज या कुछ भी. तो जो भी है ना अभी आपके पास, आप मानो या ना मानो, वो बहुत है, बहुत. आगे वो लिखते हैं कि जब हम इस जर्नी में खोने लगते हैं, हर एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील करने लगते हैं, तो जो सुप्रीम पावर है, जो यूनिवर्स की एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जी, वो आपको और ज्यादा थैंक यू फील करवाने वाले मौके आपके सामने लाकर रख देती है. व्हाई? बिकॉज व्हाट एवर यू आर फीलिंग इनसाइड, यू विल गेट द सेम थिंग. सो इट्स द बेस्ट वन सोल्यूशन फॉर यू नो फाइव प्रॉब्लम वन सोल्यूशन, वैसी वाली चीज है ये कि बस ग्रैटिट्यूड फील करो. और तो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि लोग ना अपनी
उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है अभी उसे ठीक करने के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि बाकी सारा अच्छा पीछे छूट जाता है। तो थोड़ा टर्न करके जो भी अच्छा हो रहा है ना उस पे ध्यान देना स्टार्ट करो, ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम छूट गई थी ना ये अपने आप ठीक होके इस थैंक यू वाले लिस्ट में आके रुक जाएगी। ट्राई करके देखना 21 डेज के लिए थैंक यू प्रैक्टिस करके देखना। पहले तो जबरदस्ती करना पड़ेगा हर एक चीज को याद करके, याद से कि आज मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया ऐसे होगा, बट विद इन 2-3 डेज आपको आदत हो जाएगी, आप हर चीज के लिए और ऑटोमेटिकली फील करना स्टार्ट करोगे। थैंक यू बोलना इज डिफरेंट, थैंक यू फील करना इज डिफरेंट। तो अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके सामने कभी भी किसी भी टाइम आ जाती हैं, जो आपने सोचा है वो भी पूरा हो जाता है, जो आपने सोचा भी नहीं था वो भी पूरा हो जाता है, यानी बेस्ट चीजें आपके साथ होनी चाहती है। नाउ आई वॉन्ट टू शेयर सम ऑफ माई एक्सपीरियंसेस अबाउट ग्रेटिट्यूड मैजिक, कैसे बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें मेरे साथ मैजिक की तरह यूनिवर्स ने पूरी की है इस साल। अब जो चीजें मैं पढ़ूंगी ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं भी ऐसी ही हूँ, मुझे छोटी छोटी चीजों का कैसे कहूँ, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ छोटी चीजों को, बड़ी खुशी से ज्यादा छोटी छोटी खुशियां मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी सबसे फर्स्ट विश मेरी विश अभी तक है और ये अभी तक पूरी नहीं हुई है बिकॉज मेरी ही वजह से। फर्स्ट टाइम मैंने टूटता हुआ तारा देखा, ये मेरा ड्रीम था, मुझे देखना था और यूनिवर्स ने पूरा कर दिया बिना कहे, वो भी एक मैजिक की तरह। और मेरा पूरा नहीं हुआ क्योंकि मैं इतने सालों से बोलती रही मुझे कभी टूटता तारा नहीं दिखता, मुझे कभी टूटता तारा नहीं दिखता, मैं बोलती हूँ हमेशा। तो अब से मैं इस सेंटेंस को चेंज करूंगी, मैंने टूटता तारा देख लिया है एंड इट फील्स अमेजिंग, इट फील्स मैजिकल टू सी दैट। सेकेंड, फर्स्ट टाइम मैं मेरे चाचा चाची के घर 2 महीने के लिए रुकी और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पहले बर्थ से लेके अभी तक ये कहीं पे भी रुकी नहीं थी। अगेन आई कैन कनेक्ट विद दिस विश ऑल्सो कि मुझे बचपन से किसी फ्रेंड के घर रहने की कभी इजाज़त नहीं मिली थी, लेकिन जब से मैं कॉलेज में आई तो प्रियंका के मैं घर पर रह चुकी हूँ अब और अभी भी रहती हूँ कभी कभी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आई थिंक ये बहुत यंग एज की है जो भी है, क्योंकि ऐसे यंग एज में ही छोटी छोटी विशेस होती है, जब बड़े होते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली, शादी, लव, करियर, जॉब, ऐसे वाली विशेस आने लगती है फिर, राइट। थर्ड, इन्होंने फर्स्ट टाइम इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, वो भी फुल फैमिली के साथ। अगेन मैंने भी ये कभी नहीं किया। मैं क्यों कंपेयर कर रही हूँ इनको मेरी विशेस के साथ, ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊँ, ताकि आपको ये ना फील हो कि ये कितने चिंटू चिंटू विशेस है। चिंटू चिंटू भी बहुत मैटर करता है किसी किसी के लिए और हमें हर तरह की स्टोरी सुनना चाहिए, है ना। तो ये इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आपकी स्टोरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हर एक इंसान की विशेस उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए हम इसको इतने अच्छे से सुन रहे हैं। सो सब लोग थे घर में, उनके लिए ये बहुत स्पेशल और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था कि सब लोग एक साथ हैं, और कितना इम्पोर्टेंस वाली फीलिंग आई होगी कि हाँ मतलब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। इन्होंने कभी वाटरफॉल नहीं देखा था, वो वाटरफॉल भी रियल वाला उन्हें दिख गया। ऐसे कोई ना कोई क्या कहते हैं, योग आ जाता है, योग जुड़ जाता है कि आप पिकनिक चले जाओगे या कुछ हो जाएगा बट आपको वाटरफॉल दिखेगा रास्ते में कहीं ना, मतलब जो भी आप सोचते हो ना वो आपको ढूंढते हुए आप तक आ जाता है, वो रास्ता अपने आप आपकी विश बना लेगी। तो आपको कैसे आएगी मेरे पास विश, कैसे पूरी होगी, उसका टेंशन नहीं लेना है, बस उसे अट्रैक्ट करना है। जैसे स्कूल में हम मैग्नेट्स के साथ खेलते थे, याद है, ऐसे मैग्नेट पकड़ते थे और दूसरे मैग्नेट के पास पास लेके जाके देखते थे और वो ठप करके आके चिपक जाती थी। तो उसी तरह हमें उस विश को अपने मन में रखना है, हमारी विश एक मैग्नेट है, ठीक है। अभी आप प्रॉब्लम वाला मैग्नेट रख रहे हो या आपको जो चाहिए वो वाला मैग्नेट आप रख रहे हो, वो डिपेंड करता है। अगर आप कैसे होगा सोच रहे हो तो वो फेलियर आके चिपक जाएगा। अगर आप अपनी विश के बारे में सोच रहे हो, मैनिफेस्टेशन आके चिपक जाएगा। तो ये छोटी छोटी विशेस इनकी ऐसी पूरी हुई। फिर इन्हें लैपटॉप चाहिए था, वो भी HP वाला, सबसे बेस्ट वाला, तो उन्हें लैपटॉप भी मिल गया जो इनके लिए बहुत मैजिक जैसे था। और ये इनके पापा ने इन्हें दिलवाया जो कि प्लान नहीं था। और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो अनएक्सपेक्टेडली मैजिक की तरह पूरे हुए। ये सब क्यों हो रहा है पता है, इन्हें इन सारी चीज़ों से खुशी मिली और ये ऑलरेडी मन में अपनी खुशी फील कर रही थी और
धीरे 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 आसपास की सारी खुशी वाली चीजें इनके पास मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होते हुए आ गई, इसीलिए इन्हें ये सब फील हुआ। अब ये जब और ज्यादा स्ट्रांग खुशी फील करेंगी या मुझे कुछ बड़ी चीज चाहिए ऐसे सोचेंगी तो और बड़ी चीजें आने लगेंगी इनके पास। बाय द वे इन्होंने रेनबो भी देखा, उसका और वाटरफॉल का फोटो भी भेजा है, तो मैं यहाँ पे अटैच करूंगी। कभी कभी छोटी चीजें भी बहुत कुछ सिखा जाती है ना, तो बस दिल में हैप्पी फील करो, मेरा एग्जाम्पल याद रखना कि यहाँ कितना कुछ पड़ा है आपके पास ऑलरेडी, उसके बारे में सोचो, ये प्रॉब्लम को जाने दो, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है, आई नो, बट प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब आपके मन के अंदर की फीलिंग्स चेंज होगी। मन के अंदर की फीलिंग्स को चेंज करने के लिए आपको यहाँ फोकस करना होगा। जैसे छोटे बच्चों को बहकाते हैं ना हम कि वो किसी चीज को मांगने के लिए रोता है, तो हम उसका ध्यान भटकाने के लिए यहाँ कुछ बजाने लगते हैं, फिर वो यहाँ देखने लगता है, उस प्रॉब्लम के बारे में भूल जाता है और इस खिलौने को देखकर खुश होता है, उसका मूड भी हैप्पी हो जाता है, राइट। तो उसी तरह हमारा मन भी होता है, सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, उसको क्या कहते हैं, शेप करो, ट्रेन करो, खेलो अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ। कुछ हो रहा है तो और ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा होने में स्टार्ट कर देना, ठीक है। हमें अपने आप को ट्रेन करना चाहिए और ये सारी बातों को समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सो ये छोटी बुलेट स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे। जस्ट फील ग्रैटिट्यूड, स्टार्ट डूइंग इट, 21 डेज तक प्रैक्टिस करिए। 21 डेज इसीलिए क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को कम्प्लीटली कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, मान लेने के लिए 21 डेज लगते हैं। इसीलिए कोई भी चीज हो, अफर्मेशंस हो, विजुअलाइजेशन हो, कोई भी हो, अगर आप चाहते हो वो परमानेंटली बैठ जाए आपके मन में, तो 21 डेज टाइम लगा कर कीजिए। यानी जैसे दवाई खाते हैं ना, गिन गिन कर वैसे करिए, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली आपके मन में हमेशा विजुअलाइजेशन या पॉजिटिव थिंकिंग चलती रहेगी। 21 डेज के बाद भी आप कर सकते हो, कितने भी टाइम कर सकते हो, कितने भी बजे कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। बट सोने से पहले अगर ये सारी चीजें की जाएंगी तो सबकॉन्शियस माइंड में रात भर वही चलता रहेगा, यानी आप रात भर क्रिएट करते रहेंगे। तो आपका जो भी रिलीजन है, आप जिसको भी मानते हैं, उनका जो मेडिटेशन वाला मंत्र होगा या अच्छा वाला म्यूजिक होगा, कुछ भी होगा, जैसे वो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पीसफुल होता रहेगा पूरी रात, और नेक्स्ट डे आपको मैजिक पता चलेगा उसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग वेरी स्लो बिकॉज आई कांट टॉक वेरी लाउडली। थैंक यू, बाय।